वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे फोन में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये आपके भी फोन में हो सकता है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड हमें फिर बताना कि आपके फोन में है या नहीं है हेलो गाइस मैं फ्रॉम है 11 का हम शक्ल पर उसका छोटा भाई ये है एंड बेसिकली एक ब्लेंड है 10T 11 का कुछ चीजें टेन टी से ली कुछ चीजें इलेवन से ली मिलाया ऐसी खिचड़ी बनाई और वन प्लस इलेवन आर निकाला इस वीडियो का लेट होने का मेन कारण ये था की हमने इस फोन को सात

डेट हो रहे तो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है आपको उस पर ऑफर मिल जाएगा ए टू जेड हर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर मिलेगा साल दो साल तो एकदम निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको क्रोमा को चेकआउट करना चाहिए मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां जाके बिल्कुल देख सकते हो वन ने जान के इस फोन को लेवन जैसा बनाया आपको भी लगे ये थोड़ा सा महंगा फोन है एंड यहाँ पे मैंने दो मेजर डिफरेंस देखे

सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना कि आप ये फोन लेने का सोच रहे हो या फिर कौन सा लेने का सोच रहे हो एक चीज मैंने यहाँ पे देखी वन प्लस ने इस फोन में आपको आयर ब्लास्टर दिया जिन लोगों को टीवी ए फोन से कंट्रोल करना पसंद है उनके लिए काफी काम का फीचर है पर मैंने ये चीज देखी ब्रांड आजकल फ्लैगशिप फोन में आपको आयर ब्लास्टर नहीं दे रहे पता नहीं क्यूँ वो भी एक अच्छा फीचर है काम का है मेरे हिसाब से देना चाहिए वन प्लस का जो कैमरा मॉड्यूल था उसके कैमरा लेंसेज के आजू बाजू एक चमक आती थी इस बार वो चमक को हटा दिए एंड अलग से कुछ लाइट शाइन होती है ऐसे इधर उधर से रेज निकलती है मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने में अच्छा लगा वो चमक से एंड दूसरी एक और चीज ये वाला कलर है गैलेक्टिक सिल्वर ये वाला कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया मुझे नहीं लगाता है कलर इतना अच्छा होगा बट डेफिनेटली अच्छा दिखता है थोड़ा सा सिल्वर एंड हल्का सा लाइट ब्लू का एक शेड बना के आता है पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हल्की सी चमक डाल दी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है अलर्ट स्लाइडर है भाई यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का पोजिशन थोड़ा सा छेड़ दिया जो मुझे बुरा लगा फिंगरप्रिंट स्कैनर को इस बार नीचे कर दिया हल्का सा लेवन का Position बहुत ज्यादा अच्छा था इसके लिए थोड़ा सा ओनली को नीचे लाना पड़ता है हल्का फुल्का अनकंफर्टेबल होता है फिंगरप्रिंट का मुझे एक बग दिखा जो मुझे आपको बताना है सपोज आपकी स्क्रीन लॉक आपको कोई नोटिफिकेशन आया अब आपने स्क्रीन को अनलॉक किया अब आपको उस नोटिफिकेशन को खोलना है तो हमने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तो सीधा पासवर्ड वाली स्क्रीन आती है पर वहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन कभी कभी नहीं आता है कभी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन प्लस पैटर्न डालने का ऑप्शन आ जाता है कभी कभी सिर्फ पैटर्न आता है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है ये बग मैंने में भी देखा एंड मेरे वन प्लस में भी देखा था नीचे जो यूएसबीसी का पोर्ट दिया एक्चुअली यूएसबी टू पॉइंट का पोर्ट है यूएसबी यूएसबी ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार ये जो फ्रेम है 11R में ये एक्चुअली प्लास्टिक है दिखती है, में टैलिक है बट एक्चुअल इलेवन में आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम फ्रेम देखने मिलती है अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं वन प्लस इलेवन में ऊपर मिल जाता है गोरेला ग्लास विक्टस एंड इस फोन में मिल जाता है ड्रैगन ट्रेल स्टार टू नहीं ये गड़बड़ है भाई पीछे इसमें दिया गोरे ग्लास फाइव पर ऊपर में क्या कॉम्प्रोमाइज मेरे हिसाब से गोरेगा ग्लास फाइव या गोरेला ग्लासनेस होना चाहिए था इस फोन में चालीस हजार का फोन है हम एक थोड़ी सी अशोरिटी रहने की हाँ भाई ग्लास स्ट्रॉंग है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बट डेफिनेटली गोरेला ग्लासिला ग्लास है बाकी अफकोर्स यहाँ पे वन प्लस के जैसा नो आईपी रेटिंग सारी सारा आपको वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर नहीं मिलता है इस फोन के वाइब्रेशन अच्छे है कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छे हैप्टिक्स यूज किए गए नॉट एज गुड एज इलेवन इलेवन के हेप्टिक्स मैंने बताया तो आपको सुपर हैपटिक्स है वैसे उतने अच्छे ऑप्टिक्स यहां पे नहीं है बट डेफिनेटली अच्छे ऑप्टिक्स आपको देखने मिलेंगे अगेन नॉट एज गुड एज इलेवन हल्का फुल्का कम है बट इतना भी कम नहीं है डेफिनेटली आपको अच्छा सा राउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है आपको मजा आएगा अगर मैं वन प्लस टेंटी से इस को करूं, 10T में आपको फ्लैट पैनल दिया था वो पचास हजार का था ये चालीस हजार का है, यहाँ पे आपको कर्व दिया डिस्प्ले जो डेफिनेटली भाई इस डिस्प्ले को एक अच्छा लुक देता है थोड़ा सा फोन को हैंडी बनाता है आउटडोर में ये फोन एकदम क्लियरली विजिबल है चौदह सौ पचास मिनट की मैंने आपको बताया ब्राइटनेस है वन प्लस इलेवन भी क्लियर था एकदम वन प्लस इलेवन आर भी क्लियर है आप अगर यहाँ पे फोन देखोगे तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखेगा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा मैंने ये वैसा ये सिक्स पॉइंट सेवन फोर इंच का डिस्प्ले है यहाँ पे एल टीपीओ पैनल नहीं है बट यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट मिल जाती है चालीस से लेके वन ट्वेंटी तक जो वहाँ पे हमें वन प्लस में पैनल मिलता है वहाँ पे हमें टेन टू वन ट्वेंटी मिलता है मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में एक मेजर डिफरेंस इन दोनों फोन का जो मुझे इतना ज्यादा मेजर नहीं लगता है वो है कि यहाँ पे आपको 1080p डिस्प्ले फुल एच मिलता है उसी की जगह वहाँ पे वन प्लस में आपको मिल जाता है क्वाड क्वाड आप जब तक उन दोनों डिस्प्लेस को आजू बाजू नहीं रखते हो उसको क्वाड के रेजोल्यूशन उसकोल सेट नहीं करते हो तब तक आप इन दोनों डिस्प्लेस में फर्क नहीं बता पाओगे एक चीज मैंने यहाँ पे देखी ऊपर नीचे की बेजल्स काफी सिमेट्रिकल एकदम पतली बेजल्स दी है ने जो काफी अच्छी दिक्कत आती है डेफिनेटली डिस्प्ले वाइज फॉर द प्राइस ये फोन बहुत अच्छा है एच डी आर टेन सर्टिफाइड है नेटफ्लिक्स तक पे भी आप एच डी आर कॉन्टेंट देख सकते हो उसी के साथ साथ अच्छे कलर्स के साथ आता है डिस्प्ले काफी अच्छे कलर्स पॉप होके आते हैं अगर मैं स्पेक्स एंड एंडॉर्मेंस की बात करूँ तो आता है हमारा दूसरा मेजर डिफरेंस जो सही में मेजर है पहले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैप ड्रैगन एट जेन वन वन प्लस इलेवन में आपको दिया एट जेन टू वो थोड़ा सा महंगा फोन है साठ हजार के आसपास आता है ये हजार लॉन्च हुआ था वो दे रहा था आपको एट प्लस जेन वन पचास हजार रूपए में एंड ये आपको दे रहा है एट प्लस जेन वन चालीस हजार रूपए में डेफिनेटली यहाँ एक अच्छा इंप्रूवमेंट यह है वन प्लस ने बहुत ज्यादा पावरफुल चिप है ये सारे काम कर देता है जिसकी आपको जरूरत है परफॉर्मेंस इस में आपको मेरे हिसाब से आज से तीन साल या चार साल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक डिफरेंस यहाँ पे एल पी डी टू फिफ्टी सिक्स जीबी की UFS वाली मिलती है, मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू नहीं है ये मेरा एट वन ट्वेंटी एट वाला वेरियंट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रैम मैनेजमेंट अच्छा है सब कुछ ज्यादा हीट नहीं आता है पिछले साल का तो एट जेन वन था वो थोड़ा सा गर्म चिप था एट प्लस जेन वन थोड़ा सा इंप्रूव होकर आया था बैटरी लाइफ एंड हीटिंग के मामले में एट जेन टू डेफिनेटली एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है हीटिंग एंड बैटरी लाइफ के बारे में आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में बट बाकी मुझे ऐसा लगा ये चिप आपको नाइनटी एफ पी एस गेमिंग सीओडी पब्जी ऐसे गेम्स में दे देगा आप हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेम्स एंजॉय कर सकते हो बाकी अगर मैं फाइव स्पीड्स की बात करूँ यहाँ पे अच्छी फाइव जी मिली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटी में अच्छी खासी फाइव जी स्पीड फोन दे रहा था ऑलमोस्ट वन प्लस के लेवल की स्पीड मिल रही थी मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी इंट्रो में मैंने आपको बोला था यहाँ पे दो मेजर डिफ्रेंसेज है एंड वो दो मेजर डिफरेंस के कारण

यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन ओएस में एक फीचर आपको खुला आईफोन से कॉपी किया हुआ मिलेगा या आईओ से कॉपी किया हुआ मिलेगा सेटिंग्स में जाओ बैटरी में जाओ वहां मिल जाएगा आपको बैटरी हेल्थ यहाँ पे अभी मेरा फोन हंड्रेड परसेंट पे क्योंकि ये यूज ही आठ दस दिन हुआ है अब तक पर यहाँ पे ये पूरा का पूरा यू आई से लिया गया है बैटरी मैक्सिमम कपैसिटी टेक्स जो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम का सेम है बैटरी बूस्टर का एक ऑप्शन देखा है नीचे मिलेगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग बेसिकली रात में आपका फोन स्लो चार्ज होगा ये सब पर एक अच्छा फीचर है मतलब अगर मैं एक एंड्रॉइड यूजर हूँ मैंने वन प्लस लिया आज से छह महीने

के साथ साथ यहाँ पे आपको तीन साल के मेजर अपडेट दिए वन प्लस इलेवन में चार मिलेंगे तो चार साल के सिक्योरिटी तो एक साल का आपको फर्क देखने मिलेगा है, तो यहाँ पे की सोनी की से, उसी के बाद आठ मेगा पिक्सल का अल्ट्राइड दो मेगा पिक्सल का मैक्रो ये बेसिकली एक सिंगल कैमरा फोन है ट्रिपल कैमरा फोन है ही नहीं है इसका मेन कैमरा अगर मैं वन प्लस इलेवन से बात अच्छे कलर्स लेता है बट वन प्लस इलेवन हल्का सा वार्मर टोन पे जाता है ये थोड़ा सा न्यूट्रल रखता है वहां पे हल्का फुल्का का आपको का कलर मिलता है यहां वन प्लस का खुद का है अगर मैं फोटोज की बात तो वन प्लस इलेवन की फोटोज मुझे फॉर द प्राइस इतनी अच्छी नहीं लगी थी कहीं ना कहीं वो कैमरा कॉम्प्रोमाइज था साठ हजार लायक कैमरा नहीं था बट चालीस में आपको सेम लेंस मिल रही है डेफिनेटली इस प्राइस बैकेट में कैमरा अच्छा है अच्छी डिटेल्स अच्छी शार्पनेस डिनामिक रेंज कलर स्किन टोन ये सब काफी सही ले लेता है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसमें ग्लास के अंदर एंड लेंस के पहले मतलब बीच में कुछ तो भी है जिसके कारण मेरी अल्ट्रा अल्ट्रावाइड फोटोज में कुछ झाग आ रहा है ऐसा लग रहा है फोटोज में बहुत ज्यादा फॉग है पूरा साइड से एक फॉग दिख के आ रहा है मेरी अल्ट्रा अल्ट्रावाइट फोटोज में उसके बाद मैंने इस लेंस के ऊपर अच्छे से देखा तब जाके मुझे देखा कि हाँ कुछ तो भी है मे बी ग्लू है या कुछ तो भी है जो छूट गया एंड मेरी फोटोज बहुत खराब आ रही है मुझे इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा वहां पे मे बी वो लोग इसको फिक्स करते हैं या इसको रिपेयर करते हैं पता नहीं क्या करते हैं पर वहां जाके ही पता चलेगा बट मैंने ये देखा अल्ट्रा अल्ट्रावाइड फोटोज की मुझे क्वालिटी इतनी ज्यादा पसंद नहीं है कहीं ना कहीं कलर की कमी है शार्पनेस की कमी है मैक्रो वाले सेंसर की एक दो

हमें एट का ऑप्शन दिया था पर यहाँ पे हमें कोई एट का ऑप्शन नहीं दिया है सेम लेंस है कैमरा की बट फिर भी यहाँ पे नहीं दिया है उसी की जगह फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में फोर नहीं मिलता सिर्फ 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है इस फोन में स्ट्रैटेजी की एक मार्केटिंग की बात करूँ तो भाई आपने देखा होगा वन प्लस पहले सेल पे आया उसके पंद्रह दिन बीस दिन बाद इलेवन आर आना स्टार्ट हुआ वन प्लस को पता था अगर ये दोनों फोन एक साथ आ गए तो इलेवन आर ज्यादा बिकेगा एंड वन प्लस इलेवन कम बिकेगा इसीलिए उन्होंने पहले वन प्लस इलेवन जितना हो सका धड़क

पाँच हजार के वन प्लस के Buds जी टू फ्री मिल रहे थे Basically, ये फोन छत्तीस हजार के बर्ड फ्री मिल रहे थे मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कैमरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही का वही सेंसर दिया है वहां टेलीफोट अल्ट्राइड ज्यादा अच्छे दिए फिर भी ओवरऑल आई एम जो इन दोनों फोन में मुझे डिसेंट लगा एकदम ज्यादा अच्छा नहीं लगा वन प्लस अच्छा फोन है बट थाउजेंड की आप बात करो मैंने बताया वहाँ पे आप पिक्सल सेवन आ जाता है जो उसको डायरेक्ट कम्पीट करता है एंड मोस्टली एक बेटर फोन निकल के आता है बट चालीस हजार रुपए में मेरे हिसाब से इस फोन का अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इसीलिए ये एक ज्यादा अच्छी डील है तीन चार साल आपके आराम से निकल जाएंगे आप बिल्कुल भी यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस फोन से एंड बाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज की वीडियो को इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पवर